एक प्रोफेसर सैफ अल दीन मुस्तफा ने अपनी पहली पत्नी पूर्व पत्नी तक चिट्ठी पहुंचाने के लिए विमान हाईजैक कर लिया। विमान मिस्र के अलेक्जेंड्रिया से काहिरा जा रहा था। आरोपी विमान को हाईजैक करके सरप्राइज ले गया जहां उसकी पूर्व पत्नी रहती थी। इस पैसेंजर प्लेन में 81 पैसेंजर सवार थे। साइप्रस सरकार के मुताबिक सभी बंधक सुरक्षित रिहा करा लिए गए। शुरुआत में इसे आतंकी वारदात माना गया, लेकिन जब साइप्रस में आरोपी ने अपनी शर्त सामने रखी तो पूरा मामला ही पलट गया। एक प्रोफेसर की सनक, पूर्व पत्नी को लव लेटर देने के लिए प्लेन को किया हाईजैक, खतरे में डाली यात्रियों की जान, सन की प्रोफेसर का दीदारे इश्क। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स है 27 साल का सैफ इल्दीन मुस्तफा, जो अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन अपनी पूर्व पत्नी के प्यार में वो इस कदर सनक गया कि इजिप्ट एयरलाइंस के प्लेन MS-181 को हाईजैक कर लिया और करीब 60 यात्रियों की जान आफत में डाल दी, वो भी महज अपनी पूर्व पत्नी को 4 पन्नों का लव लेटर देने के लिए। पूरे नाटकीय अंदाज में उसने विमान हाईजैक किया और बाद में दरिया दिली दिखाते हुए 56 यात्रियों को छोड़ भी दिया। उसकी इस करतूत को देख इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने पूरी वारदात को आतंकवाद से परे बता डाला। पूर्व पत्नी के इश्क में वो ऐसा जुनूनी हुआ कि पहले 4 पेज का लव लेटर लिखा और फिर सुसाइड बेल्ट दिखाकर न सिर्फ पायलट की सांसें रोक दी बल्कि दूसरे यात्रियों की भी जान मुसीबत में डाल दी। वो इस्तांबुल में रहने वाली अपनी पूर्व पत्नी को 4 पेज की एक चिट्ठी भेजना चाहता था। पहले महज चिट्ठी भेजने की रट लगाने वाले हाईजैकर को थोड़ी ही देर में फिर इश्क का एक और दौरा पड़ा और उसने पायलट को इस्तांबुल चलने का फरमान सुना डाला। फ्यूल कम होने की बात सुनकर आशिक हाईजैकर मायूस हुआ और अंत में विमान साइप्रस में लैंड हुआ तो अपनी पूर्व पत्नी के दीदार की उसकी ख्वाहिश अधर में लटक गई। इजिप्ट एयर के विमान MS-181 को अपहरण कर जबरन साइप्रस के लारनाका हवाई अड्डे पर उतारने वाले अपहरणकर्ता के बारे में कई बातें पता लगी हैं। वो मिस्र का नागरिक है। हाईजैकिंग के दौरान उसने एक ट्रांसलेटर की मांग की थी। वो राजनीतिक शरण चाहता था। आरोपी अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हाईजैकर साइप्रस में रहने वाली अपनी पूर्व पत्नी को 4 पेज का लेटर भेजना चाहता था, जिसके लिए उसने आतंक फैलाने के लिए ये तरीका अपनाया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस प्रोफेसर की सनक ने कुछ घंटों के लिए प्लेन में बैठे यात्रियों की सांसें जरूर रोक दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।